हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यू पी पी सी एल की बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। और दोस्तों ये जो अपडेट है वो यू पी पी सी एल की नई भर्ती की है, यानी कि दोस्तों यू पी पी सी एल ने आज और अभी जो है तीन भर्तियां एक साथ में जारी कर दी। और दोस्तों कौन कौन सी वो भर्तियां हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर यू पी पी सी एल की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन कर रखी है। और दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी और जो रिजल्ट का सेक्शन है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो दोस्तों अब मैं जो है इसे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर जो है तीन नई अपडेट निकल करके आती है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो पहली है एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, दूसरी है दोस्तों यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, और तीसरी है दोस्तों यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर पोस्ट ऑफ कैंप असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। यानी कि दोस्तों ये जो तीन भर्ती हैं वो अभी यू पी पी सी एल ने जारी की है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से जो है जो अकाउंट असिस्टेंट की जो भर्ती है यानी कि इस पोस्ट की मैं पूरी डिटेल आपको केवल इस एक ही वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों इन तीनों भर्तियों की तीन वीडियो आपके सामने जारी की जाएगी और दोस्तों तीनों का जो है डिटेल के साथ में आपको बताया जाएगा कि किस पोस्ट के लिए जो है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है और किस तरह से आप जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्या जो है इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के फुल विज्ञापन में। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ में बता देता हूँ। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैं इसे जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारे सामने जो अकाउंट असिस्टेंट का जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसमें कुल कितनी पोस्टें जारी की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसके जो फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम में भरे जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑफलाइन जो है इसका फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरा जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन फॉर्म भरता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो पोस्ट है वो देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो दोस्तों इसकी जो है लगभग 109 जो पोस्ट हैं वो जनरल की है, यानी कि दोस्तों अनारक्षित श्रेणी की। वहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की जो है इसमें 24 पोस्टें जारी की गई है। और दोस्तों जो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग उसकी लगभग यहाँ पर जो है 56 सीटें जो है जारी की गई है। वहीं दोस्तों जो अनुसूचित जाति है उसकी 48 पोस्टें जारी की गई है, और जो अनुसूचित जनजाति है उसकी यहाँ पर 3 पोस्टें जारी की गई है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है वो अभी यू पी पी सी एल ने जारी कर दी है। और दोस्तों आपने यहाँ पर पद देख ही लिया है असिस्टेंट अकाउंटेंट। हालांकि दोस्तों यू पी पी सी एल में जो पहले की जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो भर्ती है वो प्रक्रिया दीन है, लेकिन फिर भी यू पी पी सी एल ने एक नया आवेदन जो है यहाँ पर मांग लिया है और नई भर्ती जो है यहाँ पर जारी कर दी है। अब दोस्तों इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीम्ड विश्वविद्यालय यानी कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित से वाणिज्य में स्नातक डिग्री, यानी कि दोस्तों जिसके पास में बी कॉम की डिग्री है 3 साल की, वो किसी भी विश्वविद्यालय से हो भारत में पास की होनी चाहिए। तो दोस्तों वो जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो एज है वो बताई गई है कि जो आयु है वो दिनांक 1/7/2021 को न्यूनतम कम से कम यानी कि 21 वर्ष जो है इसमें होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों कम से कम 21 वर्ष का अभ्यर्थी और अधिक से अधिक 40 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों इसका जो वेतनमान है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेवल 5 के अंतर्गत जो है इसका वेतनमान दिया जाएगा, जिसमें ये जो इसका वेतन है वो इसमें दिया जाएगा। और दोस्तों साथ ही जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसार जो इसमें है आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो भर्ती है उत्तर प्रदेश राज्य की भर्ती है। फिर दोस्तों इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो है सीबीटी के माध्यम से जो है इसमें चयन किया जाएगा, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पर लिया जाएगा, फिर उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होंगे और उसी के आधार पर इसमें जो है चयन किया जाएगा। अब दोस्तों जो सीबीटी है वो किस तरह से होगा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो सहायक लेखाकार के जो पद है उस पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो लिखित परीक्षा होगी यानी कि सीबीटी परीक्षा होगी, उसमें सीबीटी का जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में होगा, जिसमें जो प्रथम भाग है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और वहीं जो द्वितीय भाग है उसमें लगभग 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम भाग है उसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और सेकेंड भाग में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला भाग होगा उसमें लगभग 50% आएंगे, वो भी 50 नंबरों के आएंगे। और दोस्तों 1% एक नंबर का रहने वाला है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से संबंधित आएंगे, जिसमें माइनस मार्किंग जो है 1/4 रखी गई है। और दोस्तों ये जो प्रथम भाग है उसमें कम से कम जो 50% अंक वो लाना जरूरी है, और अगर कोई अभ्यर्थी 50% अंक नहीं लाता है तो उसे जो है बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा भाग यानी कि जो द्वितीय भाग है दोस्तों, उसमें यहाँ पर जो सिलेबस है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे जनरल इंग्लिश है, अर्थमेटिक है, जनरल हिंदी है, अकाउंटेंसी है, यानी कि दोस्तों जो जिसे हम सब्जेक्ट कर सकते हैं यानी कि अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन, वो दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में आने वाले हैं। तो दोस्तों आप जो है इसे आसानी से इस सिलेबस को देख लें कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इसमें आने वाले हैं। वहीं दोस्तों इसमें सब्जेक्ट में ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से संबंधित जो प्रश्न है वो भी आने वाले हैं, जिसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इसमें लगभग 150 जो
क्वेश्चन में आएंगे वो भी 150 अंकों के आएंगे, यानी कि 1% जो है 1 नंबर का रहने वाला है। इसमें भी दोस्तों 1/4 की जो है माइनस मार्किंग रहेगी, जिसमें दोस्तों साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि जो लगभग 200 क्वेश्चन आएंगे वो सारे एक एक नंबर के ही आएंगे और दोस्तों 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो परीक्षा स्थान है वो यहाँ पर बताया गया है, जैसे लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी, इन शहरों में जो है इनका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि दोस्तों एग्जाम सेंटर यहाँ पर आने वाला है। अब दोस्तों आगे जो है यहाँ पर साफ साफ जो दिया हुआ है यानी कि इसमें किस तरह से जो है फॉर्म भरा जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम फीस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की जो भी अभ्यर्थी हैं उनके 826 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर GST सहित ये लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों जो अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो EWS एंड पिछड़ा वर्ग के यानी कि नॉन क्रिमिनल के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके 1180 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे, जिसमें GST शामिल रहेगी। वहीं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हैं उनसे केवल और केवल यहाँ पर 12 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे, यानी कि दोस्तों इनकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, केवल और केवल यहाँ पर जो प्रक्रमण शुल्क है यानी कि 12 रुपये का वो लिया जाएगा और वो भी GST सहित होगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेगा तो दोस्तों उनका जो है GST चार्ज भी यहाँ पे लगेगा। और साथ ही दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप जो है किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए जो UPPCL की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से जो है आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। अब दोस्तों इसके अलावा जो प्रवेश पत्र है उसके बारे में आपको जो है SMS कर दिया जाएगा और इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको UPPCL से अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप उसकी जो हेल्प डेस्क की जो ऑफिशियल ईमेल है वहाँ से जो है आप ईमेल करके भी जो है UPPCL से पूछ सकते हैं कि अगर कोई परेशानी आ रही है तो। अब दोस्तों आपको जो आवेदन की जो तिथि है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों आप जो ऑनलाइन आवेदन है वो 8/10/2021 से 28/10/2021 तक भर सकते हैं। वहीं दोस्तों आप जो परीक्षा शुल्क है वो 8/10/2021 से 28/10/2021 तक जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा अगर कोई आवेदन शुल्क जमा करवाता है तो दोस्तों चालान डाउनलोड करने की जो अंतिम तिथि है 28/10/2021, तो दोस्तों उसका जो है 8/10/2021 से 30/10/2021 तक जो है आप इसका जो है चालान जमा करवा सकते हैं। वहीं दोस्तों जो ऑनलाइन जो CBT जो परीक्षा है उसकी यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट जिसे हम बोलते हैं यानी कि संभावित जो तिथि है वो 2021 का जो पहला सप्ताह है वो यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो UPPCL है उसका वर्तमान में जो अकाउंट असिस्टेंट का जो भर्ती है वो जो है प्रक्रिया में चल रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर UPPCL ने जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है नई भर्ती जारी कर दी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसी तरह UPPCL की पल पल की अपडेट जानने के लिए MKN Academy का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।